हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है मंडे। हाँ जी, आज का ही ये ब्लॉग है और आज ही आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचेगा रात को। और खैर जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं और छिपकलियों ने बड़ा आतंक मचा रखा है हमारे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा छिपकली हो रखी है और मुझे और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। तो आज मैं बालकनी में, जो मैं अपना 5 मिनट के लिए खड़ी रहती हूँ, मौसम का मज़ा लेती हूँ, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी छिपकली हो रखी थी। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, सारे गेट मैंने खोल दिए हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गेट मतलब ये जाली वाले गेट नहीं खोले थे, वैसे खोल दिए थे ताकि थोड़ी ठंडी हवा बाहर के अंदर आ जाए। और अभी बाहर जा रही थी तो भी मैं देख रही थी कि कोई छिपकली ना हो, क्योंकि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कल मैंने सुबह जो है व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह सुबह ही, और छिपकली जो है ना मेरे पीछे भागी। मतलब बालकनी में गई थी साफ सफाई करने और छिपकली जो है मेरे पीछे भागी। वो मैं इतना ज़्यादा डर गई, मतलब मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया। मैंने कहा जाने दो, मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी, और मैंने वहीं पर जो है वो व्लॉग छोड़ दिया था। कितनी प्यारी आवाज़ आती है ना सुबह सुबह पंछियों की। खैर जी, मैंने बाहर मेन गेट की साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पे मैं बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। टिफ़िन में मैं आज उसको सूजी से कुछ बनाकर देने वाली हूँ। तो सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया है ताकि आधे घंटे सूजी रेस्ट कर लेगी तो अच्छा बनेगा, मतलब जो भी मैं बनाऊँगी। और उसके बाद जो है, आज मैं पहले बालकनी की साफ़ सफ़ाई नहीं कर रही हूँ, अब मैं पहले आज कर रही हूँ अंदर की साफ़ सफ़ाई, वरना हमेशा तो बालकनी की करती हूँ। पर अभी फिर कल हस्बैंड ने बोला छिपकली वाला हादसा होने के बाद कि बाद में कर लिया कर, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना वैसे वैसे छिपकलियाँ जो इधर उधर हो जाती है, सुबह सुबह अंधेरे में ज़्यादा तंग करती है। तो बस जी, आज मैं पहले अंदर की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ, अंदर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और तो पहले आज मैं अंदर की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ। और हाँ, कल है बुलबुल का जन्मदिन, सारी तैयारियां हो गई है। कल बर्थडे वाला व्लॉग मैं शूट करूंगी। और हाँ, बुलबुल का बर्थडे है इसी वीक में और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी बच्चों का बर्थडे है और उन सब ने कहा था कि दीदी प्लीज़ आप लोग आप जो है ना व्लॉग में विश करना हमारे बच्चों को बर्थडे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यार सही बताऊँ तो कमेंट आते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ सबको, सबको मैं प्यार भी देती हूँ, पर मैं भूल जाती हूँ। फिर वो कमेंट में जब दोबारा ढूंढ जाती तो मुझे मिलते नहीं है कि कौन से ब्लॉग पे कमेंट किया गया था। ठीक है, तो इस वीक में जिन भी बच्चों का बर्थडे है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके बच्चों का बर्थडे है, तो उनको सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, नाम मैं नहीं याद रहे मुझे। और अगर आप चाहते हो कि मैं बर्थडे विश करूँ कल, तो आप जो है मुझे कम्युनिटी में जो है ना कोई भी मेरी पोस्ट होती है ना उस पर आप मुझे कमेंट किया करो। ठीक है, तो उस पर मुझे ध्यान रह जाएगा। और हाँ, एक स्पेशल जो है ज़रूर मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर है नीतू नाम है शायद उनका, उनकी बेटी का भी बर्थडे बुलबुल के बर्थडे वाले दिन ही है। उसका नाम है दीति, दीति नाम है शायद, अगर मैं अच्छे से मुझे याद है तो। और उसको हो गया है चिकन पॉक्स और वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप विश कर देना ताकि उसको अच्छा लगे और वो उदास ना हो। बुलबुल की जितनी ही है शायद उन जैसे कि उन्होंने बताया था। तो दीति, आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से भी, बुलबुल की तरफ से भी। आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अगले साल धूमधाम से अपना बर्थडे मनाओ। ठीक है, और हाँ जी, इधर मैंने बुलबुल को उठा दिया है और बुलबुल चली गई अब नहाने के लिए। और मैं आ गई थी फिर से बालकनी में, पहले मैंने बालकनी में झाड़ू लगाई, उसके बाद पानी से वॉश किया क्योंकि कबूतरों ने हालत ख़राब कर दी है। कबूतर, छिपकलियाँ, मतलब सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो कबूतरों ने हालत ख़राब कर रखी थी। तो वॉश किया और उसके बाद मैंने लगाया पोछा। तो बस इतना काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, अब कर रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में मैं आज उसको दे रही हूँ ये क्या कहते हैं इसको, सूजी वाले पिज़्ज़ा। हाँ, सूजी वाले पिज़्ज़ा। वो ये कि बर्थडे है कल उसका, तो वो कह रही है मुझे 2 दिन स्पेशल आप फील कराओ, आज भी मेरे को अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं बच्चे की बात और बना देते हैं। और वैसे भी ये हेल्दी पिज़्ज़ा है, इसमें कोई मैदा वगैरह है नहीं। सूजी को मैंने दही में घोल के रख लिया था, नमक डाल दिया था, थोड़ा सा इनो डाल दिया और फिर इसको मैंने
बना दिया इस तरीके से, ऊपर से स्वीट कॉर्न, प्याज, ऑरिगेनो, जो भी आपके पास रखा हो वो आप डाल सकते हो। अगर ये क्या कहते हैं चीज़ अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप स्किप कर सकते हो, बिना चीज़ के भी अच्छा बन जाता है। जैसे आज मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था तो मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाया, बस प्याज, स्वीट कॉर्न और ऑरिगेनो और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ डाल दी थी, तो उसे बस बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो ये बना है आज बुलबुल के टिफ़िन में, आप भी बना सकते हो। और हाँ, जब भी मैं ये तवा दिखाती हूँ ना, आप लोग लिंक पूछते हो कि ये तवे का लिंक दे दो, तो ये मैंने इंडस वैली से लिया था, बहुत ज़बरदस्त तवा है ये। इस पर जो है बेसन के चिल्ले भी बड़े अच्छे बनते हैं और इस पर अगर ये जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं ये भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हैवी बहुत है, आयरन का है, अच्छा है, बढ़िया है। लिंक मेरे पास नहीं है यार, लिंक मैंने बहुत टाइम पहले जो है वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, तो आप जो है इंडस वैली पर सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, 5 स्टार देती हूँ मैं इस तवे पे, जो भी चीज़ बनाती हूँ ना बहुत अच्छी बनती है। खैर जी, बेटी को बढ़िया सा नाश्ता देकर भेज दिया है स्कूल, नाश्ता उसने कर भी लिया था, जब कुछ मनपसंद चीज़ होती है ना तो खा के भी जाती है। और उसके बाद मैंने लगा दिए यहाँ पे मशीन, कपड़े धुल रहे हैं और हाँ जी साथ साथ और भी काम चल रहा है। हाँ जी, तो बेटी की पसंद का नाश्ता तो बना दिया और अब जो मैंने घोल बनाया था ना, एक ही घोल से मैं 2 तरह का नाश्ता बना रही हूँ। अब बेटी को खाना था पिज़्ज़ा और हस्बैंड ने कहा कि मुझे खाने हैं ढोकले, तो मैंने वो जो सूजी का घोल था उसी को मैंने इनो डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया था और उसके मैंने एक तरफ चढ़ा दिए ढोकले, और ये थोड़ा सा बैटर बच गया था तो इससे मैंने एक और पिज़्ज़ा बना दिया है। तो एक ही घोल से 2 तरह के नाश्ते आप बना सकते हो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो हस्बैंड को खाने थे सूजी वाले ढोकले तो उनके लिए मैंने वो ढोकले चढ़ा दिए, और ये घोल जो है पड़ा पड़ा खट्टा हो जाता, मुझे फ्रिज में रखना पड़ता, तो इस वजह से मैंने और अभी लगे हाथ जो है वो भी चढ़ा दिया है, मतलब ढोकले भी बन जाएंगे। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी बच्ची भी साफ़ सफाई करने में। इस रूम में बुलबुल सो रही थी, बाकी पूरे घर में मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दी थी, इस रूम में बुलबुल सो रही थी, तो यहाँ पे मैं अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ और आज थोड़ा सा अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी दिन कभी किसी दिन एक रूम की अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ। और ये देखो फैन पे कितनी ज़्यादा डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है, जबकि पूरा दिन मैं रूम बंद रखती हूँ, खिड़कियाँ मैं खोलती नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी डस्ट जाके फ़ैन पे चढ़ जाती है। तो बस वही है, फ़ैन साफ़ करने का मेरा यही तरीका है, झाड़ू से ही मैं थोड़ा बहुत अगर डस्ट होती है तो वो झाड़ लेती हूँ। तो बस जी, क्लीनिंग हो गई है और अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने ख़रीदा है अपनी रसोई के लिए बहुत ज़रूरी सामान, बहुत दिन से सोच रही थी इसको लेने का, बस वो ये सर्च करने में निकल गया। तो ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से हैंड ब्लेंडर, और ये है ऑर्पिट कंपनी का। और ऑर्पिट का मैंने इसलिए मंगवाया, मैंने देखे तो बहुत सारे थे पर ऑर्पिट का मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ऑर्पिट का ना मेरे पास पहले से, और एक वो है हीटर है, रूम हीटर है, और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मुझे मतलब उसके हिसाब से मैंने ये मंगवा लिया। मुझे ऐसे लगा कि हीटर काफ़ी सालों से चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ है, मतलब हो गए होंगे उसको 7-8 साल हो गए होंगे उस हीटर को, और उसको अभी तक हमने ठीक नहीं करवाया, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि इस कंपनी की चीज़ें बढ़िया होती है, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया है फ्लिपकार्ट से। और ये मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था इस टाइम, क्योंकि मैं जब ये मलाई से मक्खन बनाती हूँ ना तो मैं बनाती थी ये मिक्सी में, और मिक्सी में मतलब बहुत ज़्यादा बिखरता था, कभी इधर बिखर जाता था, कभी इधर बिखर जाता था, तो मैं बहुत टाइम से ये चीज़ लेने की सोच रही थी, तो ये फाइनली मैंने ले लिया है, बढ़िया है। अगर आपको भी किसी को लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये मुझे मिला है 800 रुपये का, हाँ 800 रुपये का पड़ा है मुझे ये, ठीक है जी। तो बस आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ सारे काम निपटाने में, बुलबुल के बर्थडे की ये भी तैयारियों में ही शामिल समझो आप, मतलब बर्थडे की तैयारी ये नहीं होती कि सिर्फ कपड़े खरीद लिए और मतलब ये सारी चीज़ें कर ली, मैं आज बर्थडे की तैयारी ये सारी चीज़ें करके भी कर रही हूँ। जैसे मलाई रखी थी, बहुत सारी ढेर लगा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि मिक्सी का जो बड़ा वाला जार है ना वो ख़राब हो गया था, तो मैं इसी का वेट कर रही थी, मैंने कहा ये ऑर्डर किया था मैंने अमन का, वो भी ठीक करवाने दिया हुआ है, खैर मिक्सी का जार भी, पर ये हैंड ब्लेंडर भी आ गया था, तो मैंने कहा अब जो मलाई रखी है उसको आज ही जो मैं बना के मक्खन बना देती हूँ, फ्रिज थोड़ा खाली कर देती हूँ, क्योंकि कल बर्थडे है तो फिर जो भी मतलब केक वगैरह आएगा तो जगह चाहिएगी फ्रिज
में रखने के लिए, तो सारी मलाई वगैरह मैंने निकाल दी और उसके बाद आज मैं फ्रिज की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो इस तरह से ये तैयारियाँ भी चल रही है, मतलब घर की थोड़ी सी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी और फ्रिज को मैंने खाली कर दिया आज, सारी मलाई वगैरह निकाल दी, फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग कर दी सारा सामान वगैरह निकाल के, और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो इस तरह से चल रहा है मेरा काम। और हाँ, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले घर में पोछा लगा लेती हूँ उसके बाद मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो सारा मतलब वो किचन और फ्रिज के वो साइड में जो जगह होती है ना, सारी दोबारा गंदी हो जाती है। तो आज फिर मैंने सोचा नहीं, पहले फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो अब बस मैं लगा रही हूँ फटाफट पूरे घर में पोछा। पोछा लगा रही थी साथ साथ मैंने जो घी बनाया था उसको मैंने पकने के लिए भी रख दिया था। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज जो है और ये एक्स्ट्रा काम सारे मैं निपटा लूँ, क्योंकि कल बर्थडे है, अकेले ही मुझे सारी तैयारी करनी है, तो कल मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने घी भी बना के रख दिया, सारी साफ़ सफाई भी हो गई है पूरे घर की। और हाँ, जो मैंने हैंड ब्लेंडर दिखाया है ना, उससे आप मक्खन भी बना सकते हो, और अगर आपको कोई जूस वगैरह बनाना हो, मैंगो शेक बनाना हो, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। मैंने कल रात को मैंगो शेक भी बनाया था, उससे बड़ा अच्छे से बन गया था। तो बढ़िया है, मतलब मिक्सी अगर कभी ख़राब हो जाए तो हैंड ब्लेंडर हो तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जी बस कपड़े भी सुखा दिए हैं, कपड़े धुल गए थे, उसके बाद मैं नहा ली हूँ और हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ताबड़तोड़ है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। और ये मैं जो चूड़ियाँ लेकर आई थी, मैंने चूड़ियाँ भी चेंज कर ली है और बस हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लिया है जो मैं डेली में करती हूँ। और इधर हस्बैंड से मैंने मंगवाए थे कड़ी पत्ते, तो कड़ी पत्ते वो पूरा जो है वो बड़ा सा मतलब डंडी ही उखाड़ लाए, तो उसके सारे पत्ते फिर मैंने अलग कर दिए हैं। और घर पे नहीं लगा हुआ है कड़ी पत्ते का पेड़, सामने हमारे प्लॉट है वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ से तोड़ के लेकर आने पड़ते हैं। तो फिर मैं मतलब ढेर सारा ही मंगा लेती हूँ एक साथ ही, और फिर इनको इस तरह से फ्रिज में मैं स्टोर कर देती हूँ, तो फ्रिज में ख़राब नहीं होते 15-20 दिन तक, अगर एयर टाइट कंटेनर में अगर आप बंद करके रख दो इस तरह से कड़ी पत्ते। तो वो रख दिए हैं और इसके बाद जो है अब मैं बनाऊँगी नारियल की चटनी। हाँ जी, अब बनाएंगे हमारा नाश्ता। और हाँ, किसी ने कहा था कि दीदी, मैंने कहा था एक दिन ब्लॉग में कि मैं और हस्बैंड सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, तो किसी ने कहा था कि दीदी सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। तो यार सुबह सुबह गर्मी में ना मतलब ये सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। हम नाश्ता करते हैं, पर नाश्ता ले लेते हैं कोई फ्रूट वगैरह का, जैसे कोई पपीता ले लिया या मतलब इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ मैं, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि गर्मी में मन नहीं करता ये सारी चीज़ें खाने का। तो पर आज तो फिर हल्का फुल्का सा ही बना है, अगर परांठे वगैरह बने होते ना तो नाश्ता नहीं करते हैं, हाँ अगर जैसे हल्का फुल्का कुछ बना हुआ तो कर लेते हैं नाश्ता। तो आज तो नाश्ते में ये ढोकले हैं जो इसमें बिना तेल के बने हैं, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं गया है, और ये बढ़िया से हमारे ढोकले बन के तैयार हो गए। ऊपर से मैंने छोका लगा दिया था, कड़ी पत्ता, वाइट तिल डाले थे उसमें और राई डाली थी, तो इन सब चीज़ों का मैंने तड़का लगा दिया था कड़ी पत्ते डाल के, और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, झटपट बन जाते हैं, कम ऑयल में बन जाता है ये नाश्ता। तो आप भी बना सकते हो। जो बेसन वाले ढोकले होते हैं ना, उनसे टेस्ट थोड़ा इनका अलग होता है, पर काफ़ी टेस्टी होते हैं। और जब भी छौंक लगाओ आप इस ढोकले में, तो वाइट तिल ज़रूर डालना, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैंने बना दी थी नारियल की चटनी भी, और इधर लगा दिया है मैंने हस्बैंड का नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी है और कुछ ज़रूरी बात बतानी भी है, तो पहले दिखा देती हूँ क्या दिखाना है, उसके बाद ज़रूरी बात जो है वो बताऊँगी, ठीक है। तो मुझे रिसीव हुए हैं ये दो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट फ्रॉम द ब्रांड इंडो इरा ब्रांड से मुझे रिसीव हुए हैं ये कुर्ती सेट, और बहुत ही सुंदर है, पहले दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारे कुर्ता सेट है, मतलब बिल्कुल अलग, पहले दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को इनके बारे में कुछ। ये दो कुर्ती सेट है, बड़े ही प्यारे प्यारे से, बहुत ही सुंदर है तो दोनों मतलब एक जैसी डिजाइन में, कलर डिफरेंट है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का है, इसके नेक पे जो वर्क किया गया है ना वो बहुत ही सुंदर है, और ऐसा ही वर्क किया गया है इसकी स्लीव्स पे,
बहुत प्यारा पीस है, दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, ये कुछ इस तरह का है। देखिए ये इंडो इरा से रिसीव हुआ है और वैसे है मतलब आया फ्लिपकार्ट के थ्रू है, ठीक है। तो लिंक इसका फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको, लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में इसके है ये बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा, बड़ा ही प्यारा दुपट्टा है यार, बहुत सुंदर पीस है, मतलब सूट इतने सुंदर है दोनों ही। ये कुछ इस तरह का रहेगा, हाँ ये कुछ इस तरह का, ये पैंट में भी दी हुई है कुछ इस तरह की, ठीक है। एक पीस तो ये है, देख दूसरा है इसमें ये वाला कलर, एक ये कलर है, और इसमें भी नेक पे यही वर्क दिया हुआ है इस तरह का, और ये इसकी स्लीव्स है, और ये दिया हुआ है इस तरह का, जैसा वाइट वाले में था ना दुपट्टा, वैसा सेम इसमें ये दुपट्टा दिया हुआ है। बड़ा ही प्यारा पीस है, ये देखिए ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मुझे मिले हैं फ्रॉम द ब्रांड इंडो इरा, और ये मुझे मिले हैं कोलेब्रेशन में, ठीक है। मुझे करना है इनका एड, मतलब एक तो मुझे मतलब डालने हैं शॉर्ट्स वीडियो, और एक दो मुझे इंस्टा पे वीडियो डालने हैं, और एक दो रील्स मुझे बनाकर देनी है इंडो इरा ब्रांड को, जो कि वो चलाएगा अपना जो उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना वहाँ पे चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और कपड़े मिलते हैं, और हाँ ये मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, मेरी बहुत सारी जो मतलब सब्सक्राइबर्स है जो खुद भी यूट्यूबर है, ठीक है, और वो मुझसे काफ़ी बार पूछती है कि दीदी आपको कैसे मिलते हैं ये कपड़े, कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं ब्रांड के साथ। तो आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो ब्रांड के साथ, देखो आपको क्या करना होता है, जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं ना, मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या, पता नहीं यार फ़ोन को क्या हो गया, फ़ोन चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, हाँ जी। तो जब भी हम कोई ब्लॉग डालते हैं ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है, और जब आप अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे ना, तो उसके बाद जो ब्रांड है जिनको भी आपसे कोलैबोरेशन करना होगा ना, वो आपको करेंगे मेल वहाँ पे, और उन मेल का आपको आंसर करना है, ठीक है। इस तरह से होते हैं कोलैबोरेशन। तो मेरे पास भी ये जो कोलैबोरेशन आते हैं ना, वो इसी के थ्रू आते हैं कि मैंने अपनी मेल आईडी दे रखी है वहाँ पे, और जो ब्रांड होते हैं वो मुझे मेल करते हैं, फिर मैं उनको आंसर कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप भी जो है ना कर सकते हो। तो काफ़ी बार पूछती है कि दीदी हमें आता नहीं है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें भी मिल जाए, तो ये आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। आज तो मैं शूट नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, सोचा तो था आज मैं इसका वीडियो शूट कर लूँगी, पर अब मैं थक गई हूँ, अब तो गर्मी लग रही है, आज तो गर्मी भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, तो देखूँगी शाम को करूँगी, अभी तो हिम्मत नहीं है। बाकी सूट है सुंदर, दोनों ही सुंदर है सूट, अगर आपको लेने हैं ना तो मैं आपको जो है लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, है ये 2000 की रेंज में, ठीक है, 2000 की रेंज में विद दुपट्टा आपको सूट मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर है, कपड़ा भी अच्छा है। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ करूंगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।